क्या हुआ? आपका चैनल का नाम क्या है? वॉर बॉय रवि। और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि भाई सेकंड हैंड टायर मत ही लगवाया करो भाई। 1-7-2 पंचर 3-4 भाई, ड्रीम हेलमेट है मेरा, 2 पंचर भाई। तो भाई ये लिया, क्या कहते हैं ये चीज, तो इससे थोड़ी सी आगे हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई करते हैं एक और न्यू व्लॉग की शुरुआत। और भाई अभी चलते हैं ऐसे हल्लो माजरा, क्योंकि भाई ठंड बहुत लग रही है। तो भाई पहले चल के ग्लव्स लेते हैं, क्योंकि भाई संडे राइड पे यार व्लॉग नहीं बना पाया था मैं ग्लव्स के करके, क्योंकि भाई ठंड इतनी लग रही थी, हर जगह रुक रहे थे हम लोग। तो भाई मैंने कहा ग्लव्स ले ही लेते हैं, बाकी 100-200 रुपये का लेके अंदर गर्म वाला पा लेंगे, एक अच्छे ग्लव्स लेते हैं अभी चल के। तो अभी यहाँ से हल्लो माजरा चलते हैं। तो भाई अभी आ गए शॉप पर। आंटी भैया नहीं है क्या? भैया नहीं है? हेलमेट देख रहे हो भाई, इधर एक से ग्लव्स लेने थे, पड़े हैं दिखाओ। ये वाले नहीं चाहिए, वो दूसरे बड़े वाले चाहिए थे, थोड़े अच्छे वाले दिखाओ भाई। मेरा ड्रीम हेलमेट है येरा भाई, ड्रीम हेलमेट है मेरा, पर भाई ये लोकल वाला है, ये वो नहीं है, वो दूसरा आता है भाई, वो अलग ही चमकता है, AGV का। ये तो कॉपी है भाई, कॉपी से भी कॉपी है ये। तो भाई अभी भाई आया हुआ था, तो कह रहा है कि अभी मतलब रास्ते में ही है, ऑर्डर कर रखे थे तो अभी आ रहे हैं, कह रहे थोड़ी देर तक आ जाओ, कॉल कर दूंगा मैं आपको। मैं बोला ठीक है भाई। तो भाई जब तक अब्बा ब्लॉक करते हैं, फिर चलेंगे, जब घर जाते समय चलेंगे ना उस साइड, तब वहीं से चख लेंगे ग्लव्स। और भाई ग्लव्स भी अच्छे वाले ले रहे हैं अब, फिर वो 300-350 वाले नहीं, क्योंकि अब भाई राइड रूड करने हैं, तो भाई सही से ग्लव्स होने चाहिए यार। और ठंड में तो पता ही है कैसी हालत हो रही है, वो थोड़े ये देखो भाई, इनकी पिंकी पोंकी करने के लिए तैयार थे पर लेट हो गए, इनकी आपस में कॉन्स्टिट्यूशन बैठी नहीं, एक उधर उधर देखने लग गया था। और भाई बहुत बंदों के ना इंस्टा पे DM आ रखे थे कि भाई आपने ये पेंट कराया है या रैप कराया है, और कहाँ से कराया है, कितने का पड़ा। तो भाई मैं आपको अभी व्लॉग में बने रहो, मैं आपको ही आपको आगे सारा कुछ इसकी डिटेल दे दूंगा कि ये रैप है या पेंट है, और भाई मतलब क्या पैसे लगे, कहाँ से कराया, सब कुछ बता दूंगा भाई, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको इसके बारे में। भाई चंडीगढ़ की लाइटों के ग्लिच देख रहे हो भाई, 92 पे रुक रखी है। और भाई आजकल ठंड कितनी हो रही है यार, मतलब भाई बाइक चला ही नहीं जा रही है। ये देख रहे हो सस्ते ग्लव्स पा रखे हैं मैंने, मेरे में एक ग्लव्स पड़े थे यार, पर उसको पता नहीं एक हैंडी कहाँ पर चला गया, मिल ही नहीं रहा यार, एक ही पड़ा था। मैं कहा एक से पा गया अजीब ही लगूंगा, और क्या ही फायदा भाई, थ्रोटल वाला था ही नहीं हाथ में, इसका क्या करना है, ये तो जेब में भी रख लूंगा, लेकिन इधर तो होना चाहिए यार। क्या हुआ? आपका चैनल का नाम क्या है? वॉर बॉय रवि, ठीक है, है? मेरा रवि। तो भाई छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे अभी, रोक रहे थे मगर रुक जाते हैं भाई यार। बाकी भाई अभी की चैन ले लिया, ये देख लो भाई, VR46 की है। और अभी यार क्या कहते हैं, मैंने जैकेट पे भी एक स्टिकर करवाया था, मैं 21 ही चला गया था, तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी चलते हैं भाई यहाँ से। बाकी भाई आजकल आप लोग को विलिया भी नहीं दिख रही होगी अपने व्लॉग्स में यार, क्योंकि पता ठंड बहुत हो गई है, और कहीं भी ऊपर नीचे हुई तो भाई ठंड ने तो अपना काम कर देना भाई मेरे साथ, क्योंकि भाई इस टाइम की हल्की सी भी चोट ना बहुत तगड़ी दे रही है, और ठंड में तो वैसे ही डर लग रहा है, पर कोई नहीं, जिस दिन मौसम सही होगा उस दिन जरूर विली मारेंगे, बाकी ठंड में भी मार ही लेंगे, क्या है भाई, अपने को डर नहीं लगता गिरने गुरने से, बस अपनी टेरर को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हारा भाई तो भाई जितना मर्जी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। और भाई आप लोगों को यार मतलब थोड़ा सा ना एंगल डाउन लगता होगा मेरे ब्लॉग का, क्योंकि यार जब मैंने GoPro लिया था ना तब भाई इसका एडजस्टेबल आता है एक, वो उस टाइम पे उन पर था नहीं, और मैं वापस पता भी नहीं करने गया, और उससे मतलब थोड़ा सा ना
अप हो जाता है, जिससे भाई पूरी अच्छी सी व्यू आता है। मतलब थोड़ा सा ही डाउन लगता है, ज़्यादा नहीं, या तो थोड़ी मुंडी ऊपर करके चलानी पड़ती है, तब तो एडजस्ट हो ही जाता है। पर भाई वो भी कब तक ही, अभी एक दो दिन में करते हैं उसका जुगाड़ भी। अभी मेरा 22 ही गया था, मेरे दिमाग में नहीं रहा यार, वरना मैं ना आज ही ले लेता, मैं होश ही नहीं था बिल्कुल भी। अभी जब आ रहा हूँ ना मैं, तब ध्यान दिया यार मैंने। तो भाई बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि भाई ये रैप है या पेंट है, तो भाई ये रैप ही है, पेंट नहीं है। और भाई ये मैंने जीरकपुर से कराई थी। बाकी भाई जिसको जो भी डिटेल चाहिए हो ना, मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, इंस्टा आईडी आ रही होगी और उस पर आपको सारी डिटेल दे दूंगा, मैं लोकेशन भेज दूंगा। बाकी आप लोग बताना कि भाई मतलब क्या क्या इसमें और कराना चाहिए, क्या क्या नहीं कराना चाहिए, और क्या कहते हैं मतलब जो भी डिटेल्स होगी सब बता देना यार। और कुछ टाइम पे से परमानेंट पेंट ही कराएंगे, अभी किट वगैरह भी मंगानी है इसकी। तो भाई ब्लॉग में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे सब कुछ आएगा इसके अंदर, और एक नंबर बनने वाली है कुछ टाइम बाद ये। तो भाई अभी चलते हैं भाई, ग्लव्स भी देखते हैं आए हैं कि नहीं आए, तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो भाई अभी मैं ना 22 आ रखा था, तो भाई यार अभी मतलब फ़ोन लेके आना था, मैं अभी पहले भी आया था तब फ़ोन सही नहीं हुआ था, तो अभी फ़ोन लेने भी जाना है। और अभी भाई पेट्रोल पंप चलते यार, इसमें ना पता नहीं टायर में ना हवा निकल जा रही है बार बार, और मेरे को लग रहा है ना पंचर हो रखे है मेरी बाइक। तो भाई मेरी पंचर चेक करा लेते हैं इसका यार, वरना दिक्कत हो जाती है, पता ही है आप लोग को। एक बार चेक कर ले मैं, है कि नहीं पंचर भाई। यार लग रहा तो रहा पंचर है मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार हवा निकल रही है। है पंचर है ना, लगा दो। हाँ भाई पंचर है, मेरे को लग ही रहा था, यही कील देखी थी मैंने। चलो कोई नहीं भाई, लगवाते हैं पंचर यार, दो पंचर है भाई। भाई मेरे साथ ना आज ना बहुत तगड़े वाला मोए मोए हो गया यार, मैं आपको दिखाता हूँ भाई मेरे साथ क्या मोए मोए हुआ है भाई, बहुत तगड़ा यार। ये देखो भाई, एक पंचर, दो पंचर, ठीक है अभी और दिखाता हूँ। ये देखो भाई, एक साथ दो पंचर, तीन चार, मतलब भाई चार पंचर, और एक मैंने अभी परसों भी लगवाया था, तो पांच पंचर टोटल भाई एक टायर में। मैं भाई सोच रहा था यार बार बार ये हवा निकल कहाँ से रही है यार, ये तो बहुत गलत हुआ यार, टायर लग रहा भाई चेंज कराना पड़ेगा मेरे को अब। और भाई अब ना अब फिर मैं ना शायद ही सेकेंड हैंड टायर लगवाऊं, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड टायर बहुत बेकार होते हैं भाई। और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि भाई सेकेंड हैंड टायर मत ही लगवाया करो भाई, भाई पॉलिश पुलिश मार के दे देंगे तुम लोगों को कि भाई हाँ नवे टायर है, कुछ दूरी चले हैं, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं चले हैं, और भाई तुम्हें चिपका देंगे और तुम्हारे फिर दिक्कत आती रहेगी। और इसकी अलाइनमेंट भी मेरे को लग रहा है ना टेढ़ी मेढ़ी है, और क्या कहते हैं भाई लीन करने वाले टायर तो है नहीं ये, ठीक है तो लीन करते वक्त भी डर लगता है। अब फिर हो सके ना तो भाई देखते हैं भाई क्या करेंगे यार, टायर तो लगवाना है क्योंकि अभी, और अब फिर लीन वाले लगवाएंगे। और अभी चलते हैं भाई 22, तो अभी आपको सीधा 22 में मिलते हैं यार। तो भाई अभी ले लिया मैंने इसका जैक, तो भाई अब थोड़ा सा व्यू अच्छा आएगा। और भाई मैंने पहले थोड़ा सा नीचे नीचे दिखता था, लेकिन अब एकदम ओके हो जाएगा, और बताना भाई व्यू कैसा आ रहा है। बाकी तो अभी एडजस्ट करना पड़ेगा इसे, अभी मैंने एडजस्ट नहीं करा है, अभी बस लगा रखा था मैंने, तो अभी देखते हैं भाई जो हिसाब से फिट कर देंगे ना इसे, फिर अच्छी व्यू आएगा। और मैंने एक चीज़ भी ली है, वो भी अभी आपको रुक के दिखाते हैं, और इसका जैक भी दिखाते हैं भाई मतलब कैसा दिख रहा है वो लगाने के बाद, क्योंकि अब थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो गई है इसकी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने घर पर, और भाई अभी आपको दिखाता हूँ मैंने मतलब क्या लिया है और क्या उसका मतलब काम है। तो भाई ये चेक करो, तो भाई ये लिया है क्या कहते हैं ये चीज़, तो इससे थोड़ी सी आगे हो गई है, और अभी मैंने क्लिप वगैरह देखी है, थोड़ी सही आ रही है, बस हल्का सा इसे ऊपर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थोड़ी मुंडी अपनी झुक के चलाता हूँ बाइक, पता नहीं क्यों आदत सी है मेरी। बाकी भाई व्यू तो एकदम ओके आ रहा है। और एक ये लिया मैंने, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि हम अपनी बाइक के फ्रंट पे लगा के अपना
सामने वाला व्यू लिए, अपना मतलब पूरी बॉडी का व्यू लिए बाइक चलाते हुए, तो वो वाला व्यू भी अब कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।